वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो दैट इज़ ऑन पेडिक्योर। तो घर पे ही आप सैलून स्टाइल पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको नॉइस कोई आ रही है तो फैन चल रहा है, बिकॉज आपको पता ही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। सो बच्चे उधर सो रहे थे तो मैं इधर आ गई, तो फैन के विदाउट तो वीडियो बन नहीं सकती। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी जल्दी से वीडियो शेयर करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ मैं शैम्पू डाल दूँगी, हाइड्रोजन भी डालना होता है, बट हाइड्रोजन मेरे पास था नहीं। अगर आपके पास है तो डाल सकते हो आप। देन सबसे पहले क्या करना है, नेल पेंट को रिमूव करना है और उसके बाद अपने फीट्स को वाटर में डिप करके रखना है कुछ टाइम के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रश आता है पेडिक्योर के लिए, ये ब्रश आता है, इसके साथ हम अपने जो फीट है उसको क्लीन करेंगे। तो अपर पार्ट जो होता है, जैसे अपर स्किन जो फीट की होती है उसको क्लीन करेंगे, नेल्स को क्लीन करेंगे इसके साथ। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने सारे फीट को इस ब्रश के साथ रब कर रही हूँ। इसके जो ब्रिसल्स होते हैं उसके साथ नेल्स को कंफर्टेबली, जो नेल्स के इनसाइड की डर्ट होती है वो बहुत ही आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद लूँगी स्क्रैपर, तो ये होता है स्क्रैपर। इसके साथ क्या करना है, जो हमारे फीट का ये वाला डाउन एरिया मीन्स बैक होती है फीट की, उसको क्लीन करेंगे। जैसे फीट क्रैक हो जाते हैं, डेड स्किन होती है, तो इसके साथ वो सारी रिमूव हो जाएगी। टोज को, अपने फीट के जो बैक है उस पूरे फीट को इसके साथ आपने स्क्रैप आउट कर लेना है। तो इसके साथ जो भी डर्ट और डेड स्किन है वो सारी उतर जाती है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पुशर, तो इसके एक साइड पुशर आता है, दूसरी साइड क्यूटिकल रिमूवर आता है। तो पुशर के साथ क्या करना है, हमने जो नेल्स का ये वाला एरिया होता है उसको पुश करना होता है, ताजो जो नेल्स के ना आगे इसको नेल्स को ना हमारे कवर कर देती है जो स्किन होती है, तो स्किन को हमने इस पुशर के साथ पीछे लेके जाना होता है, पुश करना होता है। तो देन नेल कट कर लूँगी, तो अकॉर्डिंगली जैसे आपने जितनी लेंथ चाहिए आपको वैसे आपने अपने नेल्स को कट कर लेना है, देन उसको अच्छी तरह से शेप अप कर लेना है। तो ये सारे टूल्स जो हैं वो पेडिक्योर में यूज़ होते हैं। तो इसके बाद क्यूटिकल रिमूवर के साथ मैं क्यूटिकल्स जो है वो रिमूव करूँगी। तो यहाँ पे हमारे कॉर्नर्स जो हैं नेल्स के, वहाँ पे डर्ट होती है, तो वो इसके साथ हम उसको हम क्यूटिकल्स बोलते हैं। तो उसके इन क्यूटिकल्स के बीच जो डर्ट होती है इसके साथ आसानी से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। देन फेस को बोल दिया, देन फीट को जहाँ तो वॉश कर लेना है और या फिर एक वेट वाइप के साथ या वेट कपड़े के साथ उसको क्लीन कर लेना है और फिर हम उसको मसाज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्क्रब, तो स्क्रब की 1 to 2 सेकंड के लिए मसाज करनी है, स्क्रब आउट करना है पूरा फीट। और इसके बाद जो है वो क्रीम की मसाज करेंगे, इसको वाइप आउट कर लेंगे। तो जो मसाज के स्टेप्स हैं वो यहाँ पे सभी हमने करने हैं, और पूरे फीट को मसाज करना है, लाइक एंकल्स, नेल्स को, नकल्स को, फिंगर्स के जो इनसाइड का होता है एरिया उसको, और अच्छी तरह से फीट के
ऐसे डाउन फीट, जो फीट का डाउन एरिया है उसको, सारे फीट को अच्छी तरह से मसाज करना है, और जो फिंगर्स है उनको क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, ऐसे फिंगर्स को थोड़ा स्ट्रेच करना है। तो ये जो है मेरा आज का छोटा सा वीडियो, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पेडिक्योर का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस, आप मेरे फीट्स देख सकते हो। तो इनको फाइनल टच देने के लिए जो नेल पेंट है मैं वो अप्लाई कर लूँगी अब। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो टिल देन द नेक्स्ट वीडियो।